बस भी कीजिए नहीं। चीटिंग करता है तू, बदतमीज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। समनिंग जुत्सु जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ। समनिंग? हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसे किया कैसे जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। समनिंग जुत्सु। अब चलो उस पर अपना नाम लिखो। ये लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। समनिंग जुत्सु। तुमसे ना हो पाएगा। आप खुद को समझते क्या हो? हम है माउंट मायूबोगु के हर्मिट, हम ही है टोड माउंटेन सेज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। टोड सेज। बिल्कुल सही, हमने कई मजेदार नॉवेल्स लिखे हैं। जैसे कि ये। क्या ये आपने लिखी है? हाँ, तुमने हमारी नॉवेल पढ़ी है? क्या बात है। उस कचरे के ढेर को आप नॉवेल कहते हैं? आप तो यहाँ लड़कियों की टांग झांक करने के लिए आए हो बस। अब मैं कैसे करूँगा ताका झांकी, मतलब बेशरम। तेरी तो इसमें बेशर्मी वाली कोई बात ही नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है, अब आप ही मुझे वो टेक्निक सिखाएंगे। जाओ और किसी और का दिमाग चाटो। वापस आओ छिछोरे बाबा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, मैं किसी ऐसे के साथ काम नहीं करूंगा जिसे सच्चे आर्टिस्ट की कद्र नहीं है। सच कहूँ तो आपकी बुक मेकआउट पैराडाइज की कहानी बहुत कमाल की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। झूठे लाल, उस किताब को केवल वही लोग खरीद सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मस्का लगा के तुम काम निकलवा सकते हो? मैं क्या 2 साल का बच्चा हूँ? मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं चला रिसर्च पे, तुम जाओ घर पे। शैडो क्लोन जुत्सु। ये भी देख लिया, क्या किस्मत। आहा, आप सास्के को ट्रेन करने वाले हैं क्यों, है ना काकाशी सेंसे? देखो फालतू के गेस मत मारो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खुद से भी अच्छा सेंसे ढूंढ निकाला है। अच्छा तो बताइए कौन है वो? वो मैं हूँ। तुम? ये तो छिछोरा सेंसे है। इसने इसे क्या बुलाया, ये क्या है? हद हो गई, ये तो मुझसे भी कमजोर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक बार इन्होंने मेरा क्यूट जुत्सु देखा था और वहीं ढेर हो गए थे। ये मेरी पोल खोल देगा। समझ रहे हो? क्यूट जुत्सु, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें जो चाहे वो खिलाऊंगा, नूडल्स बारबेक्यू जो तुम चाहो। अच्छा जो भी मैं खाना चाहूँ। हाँ, अपनी पुरानी जान पहचान है। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आपने इन्हें क्यों चुना। समझ गया, तुम तो छुपे रुस्तम निकले बॉस। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। कैसी बेस्ट फ्रेंड हो, फेल हो तुम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।